कुछ झलकियां अनुपम पैराडाइज सिरसा हरियाणा में एक 5 दिवसीय कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था ओसीडी डिप्रेशन फोबिया व अन्य तमाम तरह की मानसिक समस्याओं के ऊपर। कुछ जो यादगार पल थे वो आप तक मैं पहुंचाने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, आप इसे अंत तक जरूर देखें। से नहाना स्टार्ट कर दें तो डिप्रेशन का नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा। क्या है वो नहाने का दृश्य देखिए। ये हमारा अनुपम पैराडाइज कैंपस, जिसके अंदर रेजिडेंशियल वर्कशॉप होती है। पूरे भारत देश से लोग आते हैं जो भी अपनी मानसिक समस्याओं से ग्रस्त होते हैं, और यहाँ पे आके ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल, इतना सुंदर वातावरण, वाकई पैराडाइज। अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ ठीक है जी, हाँ एकदम। राजेंद्र जी ही अंडर वाटर स्विमिंग करते हुए क्या बात, इस नहाने का मजा ही कुछ और है। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर। बारिश के अंदर कोरोना फैला हुआ है, हम सब लोग अपने घरों में दुखे हुए हैं, और यहाँ हम दिल्ली से, फरीदाबाद से, या फिर सिरसा के से सब हम यहाँ पे सही गुरु के साथ इकट्ठे हुए हैं। किस बात का डिप्रेशन, कैसी हो गई, कैसा हो गया, कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे हम आते हैं, एंजॉय करते हैं, सही गुरु के साथ जुड़ते हैं, तो ये जो महामारी के रूप में ये मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, इनका कोई नामो निशान नहीं बचेगा। बारिश के अंदर फुटबॉल खेल रहे हैं, किस बात का, कपड़े नहीं धोएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। अरे कोरोना की बात छोड़िए, हमें जुकाम ही नहीं होगा। हमारे मन इतने मजबूत कर दिए सारे गुरु टीम ने। राजेंद्र जी को खेलते देखिए, कितना आनंद प्राप्त हो रहा है, मजा आ रहा है। सभी का स्वागत है, सारे गुरु टीम के साथ जुड़े। 5 दिवसीय जो वर्कशॉप लगती है, इसमें आए और अपने मन को ठीक करें। जो मन हमारे पर हावी हो गया है, हमारे ऊपर पूरे कंट्रोल नहीं ले लिया है, प्रमिला अभी मिसेज ये मिसेज राजेंद्र, तो देखिए एकदम हमारा परिवार बन गया है। सभी लोग अपने मन की स्वस्थता से बाहर निकलना चाहते हैं, तो जुड़े सारे गुरु टीम के साथ। थोड़ी स्टार्ट हो गई, जिन चीज़ों का मेरे को शौक था ना, उन्हीं से मतलब ये टेंशन मेरी शुरू हुई, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। तो अब मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ की जो टीम है पूरी, राम गोपाल सर जी और राजेंद्र सर जी, और मैं कल इनसे पहली बार मिली, जो दिल्ली से मेरे लिए स्पेशल आए हैं या बुलाए गए हैं, नीरज सर जी, और सबसे पहले जो मेरे को यहाँ इंट्रोड्यूस हुए, वर्षा मैम जी, और यहाँ के प्रमिला जी, प्रवीण सर जी, और भी उनके साथ आए हुए हैं जो मेरे सहयोगी, करण जी और प्रथम जी, बच्चे, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है। तो मतलब उन सभी को थैंक्स कहना चाहूँगी, और कि थैंक यू सो मच मेरे अंदर फिर से ये उम्मीद जगाने के लिए, मुझसे मिलने के लिए, और फ्यूचर में भी मैं ये, आपने मेरे को जीने की नई उम्मीद दी है, तो मैं चाहूँगी कि हमारा कांटेक्ट रहें, हम मिलते रहें। थैंक यू सो मच। ये होता क्या है, हम लोग जीवन के अंदर कई बारी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। परिवर्तन संसार का नियम है, राजेंद्र जी ने सिखाया है कि एक परिवर्तन का नियम ऐसा है जो अपरिवर्तनीय है। तो कई बार ऐसा होता है कि चोट पे चोट दिल पे खाए हुए होठ फिर भी है मुस्कुराए हुए, मौत की वादियों में बैठे हैं हम, जिंदगी की क्षमा जलाए हुए। तो कई बार
हम डिप्रेस हो जाते हैं, जीवन से हार मान लेते हैं, लेकिन एक लौ जो है जीवन की, प्रकाश की, प्रभु की, वो हमेशा हमारे अंदर जल रही होती है और वो लौ हमें रास्ता दिखाती है। तो ये जो सिरसा का रास्ता है ना, दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर, ये इतना बढ़िया रास्ता है कि जो जिसकी किस्मत खुलनी होगी, जिस पर प्रभु की कृपा होनी होगी, वो उस रास्ते पर चलेगा और यहाँ तक पहुँच जाएगा। और यहाँ आने के बाद जीवन बदलना तो 100% निश्चित है। तो एक और बात कि हमारी साइको गुरु टीम का चारों ओर छाया खुमार है, राजेंद्र जी, हमारी साइको गुरु टीम का चारों ओर छाया खुमार है। यहाँ के रिजल्ट्स को देखकर सभी को आया बुखार है। अभी तो शुरुआत है दोस्तों। यहाँ की टीम का है ऐसा धमाका कि यहाँ पे आने के लिए, इलाज करवाने के लिए हर कोई बेकरार आ रहा है। तो भगवान इसी तरीके से साइको गुरु टीम को, बस लिखते रहते हैं। सर सतीश जी से ट्रेनिंग ली एक और हमारे टीम मेंबर हैं, वो थोड़ा आराम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारी टीम प्रगति करती रहे, लोगों के जीवन में बदलाव लेके आती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी टीम मेंबरों ने अपना समय निकाला और इस बच्ची को हौसला बढ़ाया, इसकी तरफ से मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। इसी तरीके से हम इस कर्म युद्ध के अंदर लगे रहेंगे और लोगों को अपनी उनकी परेशानियों से बाहर निकालेंगे, ये वायदा है। धन्यवाद जी। जैसा कि मैं पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ, मैं, मेरे को ये भी बोलना था, आप सभी जो मेरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को अवेयर करना था कि अगर जैसे मेरे जैसा कोई टेंशन का बच्चा है, बूढ़ा है, या कोई भी नौजवान है जो टेंशन डिप्रेशन का है, तो मेरे को लगता है कि आप सभी को एक बार यहाँ आके ये कैंप ज़रूर अटेंड करना चाहिए। हो सकता है कि आप फ़ोन पे भी इनकी काउंसलिंग ले लें, दवाइयों से वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो कि मतलब यहाँ की काउंसलिंग से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो जो भी मैंने यहाँ सीखा है, इन्होंने मतलब मन विचार, ये गंदगी जो है, बुराई है, इनके बारे में मेरे को सिखाया है, टेंशन के बारे में, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि भगवान को थैंक्स कहना चाहूँगी कि जिस भगवान के प्रति मेरी इच्छा पूरी तरह से मर चुकी थी, वो यहाँ आने के 2-3 दिनों में ही मतलब फिर से विकास होना शुरू हो गई है। तो जैसे कि मेरे को ये फिर से लगने लगा है कि भगवान कहीं ना कहीं हैं, क्योंकि अब लगने लगा है कि मैं फिर से अपने शौक पूरे कर पाऊँगी, मैं ज़िंदगी फिर से जी पाऊँगी। और तो ये जो अपना मन है बहुत अलग होता है, बहुत चंचल होता है मन के, जैसे कह सकते हैं कि हाँ, जो यहाँ की पूरी टीम है उनकी तरफ से मैं ये सभी बताऊँगी। और ये मन जो है, ये 3 प्रकार के सर ने मेरे को बताए थे, चेतन, अर्ध चेतन और अवचेतन। उनके परसेंटेज वाइज होते हैं, उनमें जो एक हमारा मन होता है चेतन, वो सिर्फ % ही काम करता है, और एक अर्ध चेतन और एक अचेतन। अर्ध चेतन हम कह सकते हैं 95% काम करता है, अचेतन तो फिर नहीं होगा। तो जैसे मन जो है, क्यों होती है टेंशन? क्योंकि हमारा मन जो है वो हमें टेंशन की तरफ ले जाता है। हमें ज़रूरी नहीं कि ये पैदाइशी हो, ज़रूरी नहीं है कि ये फैमिली से हो, फ्रेंड से हो, हो सकता है कि ये शुरुआत हमसे भी हो। तो मतलब कि टेंशन जो है वो एक बहुत ही गंदी बीमारी है, बहुत ही गंदा रूप है, और इसको हमें छोड़ना ही चाहिए, नहीं तो हम तो दुखी रहेंगे ही रहेंगे, साथ में अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, सबको दुखी करेंगे। टीचर्स हो गए, हमें जो भी लोग जानते हैं, रिलेटिव्स। तो आप लोग एक बार मतलब ज़रूर प्रयास करें कि आप यहाँ अनुपम पैराडाइज जो हमारे फरवाई कला सिरसा डिस्ट्रिक्ट में हैं, वहाँ आप इसको एक बार ज़रूर आएं और हम सभी से मिलने। चलते हैं, छाले नहीं होते, बता सकता क्यों? बौद्ध भिक्षु जो हैं, बौद्ध धर्म चाइना बर्मा लंका में, नंगे पैर अंगारों पे चलते, छाले नहीं होते क्यों?
माइंड में जो फीड किया जाता है कि हम बर्फ पे चलेंगे। कई महीने इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो माइंड को फीड हो गया कि बर्फ पे चलेंगे, तो माइंड ऐसे उसको एक्सेप्ट करेगा कि मैं बर्फ पे चलूँ। सब तरफ नृत्य है, गान है, प्रभु से मिलने का निकटतम मार्ग है नृत्य। आपका कट कर देते हैं, आप इधर हो, आपका ही नहीं रहा। सामान बाहर आना, आने दो, अभी नहीं बैठते। उसके लिए पहली शर्त क्या है? हाँ जी, प्रयास, वेरी गुड, प्रयास और कोशिश। ये क्या, हाँ, एक बहुत बड़े रईस ने ना एक पार्टी रखी, उस पार्टी में ये ऐलान किया गया, एक सभी को इकट्ठा कर दिया और एक ऐलान किया कि ये मेरा एक कई एकड़ में फैला हुआ स्विमिंग पूल है, और जो इस स्विमिंग पूल है उसके अंदर बहुत सारे जानवर भी थे, और जो जो पानी वाले जानवर है जैसे क्रोकोडाइल वो थे। तो उसने एक बात कही कि जो इस स्विमिंग पूल को पार कर देगा उसे मैं पैसा दे दूंगा जो कहेगा उतना, या फिर मेरी बेटी है इसकी मैं शादी उसके साथ कर दूंगा। तो इतना कहने की देर थी कि एक नौजवान ने छलांग लगाई और चंद मिनटों के बाद वो स्विमिंग पूल को पार कर गया। अब सभी ने तालियां बजाई और उसने रईस आदमी ने पूछा भी, बोल भी तुझे कितना पैसा चाहिए? तब उसने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए। तब उसने कहा भी अच्छा अच्छा तुझे शादी करनी होगी तो तेरे को शादी करनी है? कहता मेरे को शादी भी नहीं करनी। अब सारे हैरान हो गए कि फिर तेरे को चाहिए क्या, तूने ये स्विमिंग पूल पार क्यों किया? तब उसे पूछा, तब उसने बताया कि मुझे उस बंदे का नाम चाहिए जिसने मुझे स्विमिंग पूल में धक्का दिया था। देखो क्षमताएँ सबके अंदर हैं, वो धक्के की ज़रूरत है कि हमें कोई धक्का दे। आप जिस सिचुएशन में हैं, आप जिस सिचुएशन में, एक इंसान हो जो ज़बरदस्ती करके हमें लगा दे, जैसे आप कह रहे हो कि हमें चाहिए एक धक्का चाहिए, एक एक्सपोजर चाहिए, जैसे स्थिति जी ने वो कहानी सुनाई। आपने इस साइड में गोल करना है, आप राजेंद्र जी वाली साइड में हो, ठीक है? प्रवीण जी, आपका कौन कौन है? आप, मैं, ले जा आगे गोल है। दो चार कैमरे में उनको थका दिया, कैसी बन गया। अच्छा,
ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हो जाता है मात्र 5 दिन में। कैसे होता है इलाज आपने इस वीडियो में देख ही लिया है। ये हमारा अनुपम पैराडाइज है, हरा भरा और प्राकृतिक छटा की गोद में बसा हुआ। डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, स्किजोफ्रेनिया, साइकोसिस, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और बहुत सारे रोग हैं जिनका इलाज यहाँ होता है। थोड़ा हमें जोर लगाना पड़ता है इसलिए जी बाइक पहनते हैं। मैंने देखा ज़्यादा लोग क्या कहते हैं सांस पे फेंकते रहता है इसका फायदा नहीं होएगा मेरा अपने निकाल लिया नेगेटिव चीज ये तो अपने गति नॉर्मल होने लगी है। देखें सांस पर ध्यान, नाक से लेकर नाभि तक सांस गई जाती हुई देखें, फिर बाहर आते हुए देखें, पूरा ध्यान सांस पर। जब हम कहते हैं ओसीडी पेशेंट्स को विचारों को देखें, विचारों को सीधा नहीं देख पाएंगे, पहले हमें प्रैक्टिस सांसों पर करनी पड़ेगी। जो आदमी सांस को नहीं देख पाएगा विचारों को भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि विचार ज़्यादा सूक्ष्म है। सांस हमें नज़र आ रही है, हम देख रहे हैं हवा जा रही है, हमें पता लग रहा है, लेकिन विचार तो उससे भी सूक्ष्म है, उससे भी बारीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए हमें सांसों पे ध्यान देना पड़ेगा, फिर हम विचारों को पकड़ पाएंगे। विचारों को पकड़ पाएंगे तभी ओसीडी ठीक हो पाएगी। विचार नहीं पकड़ में आएंगे तो नहीं, उनको कैसे उनको दूर करेंगे? जो चीज़ पकड़ में नहीं आएगी कैसे दूर करेंगे, है ना? तो जब भी टाइम मिले दिन में, अब जहाँ पे हो 3 दिन और, तो टाइम नहीं वेस्ट करना, गप्पे नहीं मारनी इधर उधर बैठ के। जब भी टाइम मिले बाहर किसी भी बेंच पे बैठ जाओ, कहीं भी किसी कोने में बैठ जाओ और बैठ के अपने सांसों पर ध्यान दो। मैक्सिमम टाइम इस पे प्रैक्टिस करो। 3 दिन में भी आप अपनी ओसीडी को जहाँ छोड़ के जा सकते हो, तो सांसों को पकड़ने की कोशिश करो। सांस नाक से लेकर आँख बंद करके उसके पीछे पीछे जाओ, सांस नाभि तक गई फिर नाभि से बाहर आई, इसको फॉलो करो आप। लग रही हो आपको?
पागल हो सकते हो, एक्टिंग नहीं कर सकते। Oh!
जैसे कंफर्टेबल है लेटना लेट जाओ, बैठना बैठ जाओ, आंख बंद, सांस पे ध्यान। ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हर किसी ने इस पे प्रैक्टिस करनी है। आज का ये होमवर्क है आपका, हर घंटे बाद 5 मिनट सांस पे ध्यान, हर घंटे बाद 5 मिनट याद रखना ये। बाकी तो सारा एंटरटेनमेंट था, असली काम जो है हमारा अपने आप को ठीक करने का, खुश बनाने का, वो है सांसों पे ध्यान। नाक से सांस गई, नाभि तक उसको महसूस करें, नाभि से बाहर। अभी सांस नॉर्मल हो रही है, देखें कैसे शांत हो रही है सांस। पहले तेज थी, हर आती सांस अब धीरे हो रही है, धीमे हो रही है, धीमे हो रही है। नाभि पेट से ही पता लगेगा जी, नाभि लग जा रही है। हाँ हाँ, बस एक फीलिंग लेके आनी है, ये नहीं देखना पेट फूल रहा है, अंदर एक फीलिंग इमेजिनेशन से प्यार से धीरे धीरे हम ध्यान से वापस आएंगे, ध्यान से बाहर आएंगे और फिर धीरे धीरे करवट लेकर बैठ जाएंगे। जिन मित्रों का लेटे रहने का मन है वो लेटे रह सकते हैं, जो बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं। तो गीता थेरेपी द्वारा डिप्रेशन और ओसीडी का इलाज। इसी परेशानी के अंदर थे और साइकोगुरु टीम ने हमें बाहर निकाला और अपनी टीम के साथ जोड़ा और हम वॉलंटियर के तरीके से यहाँ पे हर वर्कशॉप को अटेंड करते हैं। तो होता क्या है, हमेशा मान्यताएं मैनर्स जो है ना वो हमेशा ऊपर से नीचे जाती है, नीचे से ऊपर कभी भी नहीं आती। कंपनी का बॉस अगर मेहनती होगा तो उसके एम्प्लॉयज को मेहनती होना पड़ेगा। इसी तरीके से कौन करना है इसका, साथ में प्रवीण जी का कि वो भी वर्षा दीदी को हमेशा वर्षा दीदी वर्षा जी हमारी प्यारी वर्षा बहन को कुछ नहीं समझता कोई वर्षा को भाई उन्होंने फिर समझते हैं बस वर्षा जी ने ज्यादा तो मैं चीजें कर दूंगा वर्षा को कोई कुछ नहीं वो आई कहां से आई तो ऊपर से नीचे ना सिरसा से पहले तो वर्षा आई थी वर्षा को कोई यहाँ पे कम से कम सम्मान तो नहीं बोलने का सबसे पहले वर्षा होती है तब पौधे उगते हैं घर में तो वर्षा अच्छा नहीं प्रवीण जी अगर बारिश ना आए तो अनाज ना पैदा हो घर में तो वर्षा वर्षा जी तो भाई बहुत अच्छी बात है ये बच्चे सुन के मेरे को कल बड़ा अच्छा लगा इससे आधा घंटा बात हो रही थी मेडिटेशन करता है ये योग निद्रा का आनंद ले रहा है योग निद्रा के अंदर अगर आप जो 50 मिनट की योग निद्रा है मैंने भी सुनने की कोशिश करी है अगर आप उसको सुन के सो जाते हो तो उसका मतलब यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है रात को भी एक्टिव है और आप उस समय जो भी विजुअलाइज करोगे वो चीज आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम कैच करेगा और उस चीज को आपके जीवन के अंदर रियलिटी के रूप में लाता रहे। यहाँ का बाबा बनने वाला है मैंने तो अभी बोला कि हमारा अगली जनरेशन साइको गुरु टीम के कर्णधार नाम भी इसका करण है कर्णधार अब इन्हीं के कांधों पे चलना है। राजेंद्र जी तो बुड्ढे हो गए राजेंद्र जोधपुरी करण बाबा करण बाबा मेरे दोस्त सही में एक तो है भी साधु बाबा ही बुलाता है तेरे को ना हाँ ये बातें काम भी कैसे हैं मेडिटेशन इतना तो मैं भी नहीं करती तो बहुत अच्छा रहा सुधा बहन का कुछ अंदर से डर निकला कुछ हौसला उनका अफजाई करी ये जिंदगी भर इनके काम आएगी एक मिनट और जो इन्होंने आज गाना सुनाया बहुत जल्द हम इनकी एल्बम जो रिलीज होने वाली है थोड़े समय में वो सुनने को मिलेगी हर पल आएगी तेरी याद लेकिन उसके अंदर
कोई मजनू नहीं होगा, कोई उसमें दिलबर नहीं होगा, उसके अंदर जो याद करने मतलब जिनको याद कर रही होंगी वो हम होंगे। हाय हम होंगे। तो यहाँ थोड़ी सी इक्वेशन चेंज होगी है ना, हमारे लिए जोरदार तालियां इसी बात पे, हमारे लिए जोरदार तालियां। एड्रेस ना ऐसे है, वहाँ आएगा उस गली में, उसमें ऐसे जाइयो, फिर दो गली छोड़ के एक गली आएगी, उसमें राइट मुड़ जाइयो, फिर तीसरा मकान जो है मेरा है, ब्लू कलर का गेट है, वहाँ पे आ गया ना कोहनी से बेल बजा दी। अभी क्या करें है ना, और उसका सुनने के बाद मेरे को मतलब बताना, कौन देखेंगे कौन बेस्ट वे से इसको, इसका मीनिंग बताता भी ये क्या कह रहे हैं ना। गुरु अर्जुन देव का शब्द है तो सुनना ध्यान से, मतलब ये इतना सूदिंग है हमारा एकदम तो ऐसे हाँ, पूरी बॉडी पैरों से पूरी बॉडी जैसे करंट लगता है ना, हाँ करंट लगता है, पैरों पैरों में भी करंट लगता है, जैसे पूरा कप कप आता है, मतलब हाथ में भी हो लेकिन पूरी बॉडी नीचे पैरों से शुरू करो और ऐसे महसूस करो भी एनर्जी ऊपर वहाँ से मेरे यहाँ, ये फीलिंग कर। तो ये स्टेप रहेगा 5 मिनट, फिर 5 मिनट जब रुक जाएंगे हम, फिर बैठ जाएंगे, म्यूजिक चलेगा और बैठ के अपना ध्यान जो है सांस पे रखेंगे। वो भर रहा है, एनर्जी से भर रहा है मेरे मस्तिष्क में, 7वें मंजिल पर जो टैंक पड़ा है वो अब एनर्जी से उसमें देखे एनर्जी को गिरते हुए। क्या बात है, ध्यान से बढ़िया। ओ लाइट तो करो, लाइट तो यार फोकस नहीं आ रहा, टॉर्च चलाओ इनके ऊपर, हां इनके ऊपर ऊपर चलानी पड़ेगी। तो आगे के भाभी जे तू मेरो टांगा ससु मेथी का मेरो टांगा ल्याऊंगे ससु मेथी का मेरो मैक्सिमम टाइम आज यूटिलाइज करना चाहिए हमें है ना, जो भी चीज़ें बच गई हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है आज, तो टाइम आज वेस्ट नहीं करना अपने बिल्कुल है ना। तो ये सुबह वाला सेशन हर किसी को घर पे करना है ना। कांटे तो लगे हुए हैं, कांटे अपने आप लग जाते, कुछ भी ना दो ना कांटे तो लग ही जाएंगे है ना। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे में से भी, हमारे मन में से, हमारे मन के फूल खिलें और उसमें से खुशबू आए, अभी क्या आ रही है बदबू, किस कितने तरह के, गुस्सा आना है ना, चिंता, तनाव, उदासी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, जैलस है ना, जैसे वो शास्त्रों में तो लिखा काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये 6 हमारे शत्रु हैं। तो ये शत्रु मन में पैदा हो जाते हैं तो फिर हमारा बिल्कुल जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर करना क्या होएगा, भी मेडिटेशन आत्मा का भोजन है, लेकिन ये एक ऐसी मेडिटेशन है जो मन को भी फीड करेगी, मन को भी एनर्जी देगी और आत्मा को भी देगी। दो एक ब्रांच ऑफिस हेड, ब्रांच ऑफिस वाले प्रपोजल भेजते हैं कि भाई हमें इतने मास्क भेज दो, जहाँ CMO भेजता है हेल्थ सेक्रेटरी को कि कोरोना बहुत आ रहा है, इतने मास्क भेज दो, इतने वेंटिलेटर भेज दो, इतना ये भेज दो, मतलब वो थॉट, मतलब प्रपोजल थॉट एक बना है ना। तो वो फाइल कहाँ जाती है, हेड ऑफिस में जाएगी। फिर हेड ऑफिस का काम क्या है, उस फाइल को स्टडी करेंगे कि भाई ज़रूरत है इतनी चीज़ों की, ये वाकई ये मांग रहे हैं या जेब में डालने के लिए मांग रहा है, तो इसकी लोगों के वो एनालिसिस होएगी, उसका सच झूठ का पता लगाया जाएगा हेड ऑफिस में। फिर जो बात उनको कन्विंस हो जाती है, उनको लगता है ठीक है, वो कहेंगे ओके, वो एक्शन के लिए एक्टिंग कमेटी को चली जाएगी। एक्शन कमेटी, एक्शन कमेटी हमारी कौन है, बॉडी है ना। अगर मेरे को लगा भी रामगोपाल जी ने मेरे को गलत शब्द कहे हैं, ये मेरे ब्रांच ऑफिस ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है ना, हेड ऑफिस वाले उसको चेक करेंगे भी वाकई कहे हैं या किसी ने मेरे को वैसे ही भड़काया है ना, उसका काम है। अगर वेरीफाई हो गया भी हाँ इसने कहा है, फिर मैं बॉडी को बोलूँ भी लगा दे एक चांटा तो फिर है ना एक्शन में चला जाएगा। अगर वो गलत साबित हुई तो फिर वो वहाँ से खारिज हो जाएगी फाइल,
और नीचे वालों को डांट भी पड़ेगी भी, ये क्या मतलब गलत खबरें ऊपर भेजते हो। आज उसी की तरफ आप एक बार रियलाइज करेंगे कि जो जो बातें होना उसे रियलाइज करना है, महसूस करना है, सिर्फ विचारों में उलझना नहीं है या वैचारिक तौर पर नहीं है, उसको एक्सपीरियंस करना है कि रियल में ऐसा हो रहा है। तो जो जो निर्देश मिले उसको रियल में ऐसा अनुभव करते जाना है। और ज़्यादा लंबा सेशन नहीं है, थोड़ा सा सेशन है। देखो अपना जीवन क्या है, क्यों आप अपने आप को समझ लेते हैं कि हमेशा के लिए हम हैं। हमारा मन है ना ये सोचता है कि कभी कुछ हो जो है ना ये मिटेगा ही नहीं, हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन उसका एहसास हमें हो। देखो ये चीज़ें अपा ने पकड़ रखी हैं कि मेरा है, मैं हूँ, सब कुछ मेरा है, ऐसा होना चाहिए, मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, ये ऐसे छूटती नहीं है, मन ऐसे पकड़ के रखता है। लेकिन इसको एहसास हो जाए ना कि वास्तव में ये मेरी नहीं है चीज़ें, मैं कुछ इससे अलग हूँ, तब ये छूट जाती हैं। जैसे जो मोह है, चाहे वो लोभ है, अहंकार है, वो मन से छोड़ा जाता है, वैसे जानबूझ कर या ज़बरदस्ती नहीं छूटता। तो मन से अगर एक बार चीज़ अलग हो जाए तो फिर वो आसान हो जाती है छोड़नी, या उसके बगैर रहना, या जो भी है। तो अपना जो मेन मकसद है वो ओसीडी की जो समस्याएं हैं, चाहे वो अपनी शरीर से रिलेटेड समस्याएं हैं, चाहे विचार से रिलेटेड हैं, उनको समझना है कि उनसे एक ना आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, एक तादाद में जुड़ जाता है अपना, एक उनसे ना जुड़ाव एसोसिएशन है। तो उस एसोसिएशन को डी एसोसिएशन में बदलना है, डिस एसोसिएशन में, कि उसको अलग कर देना है। अलग कैसे करना है वो इस मेडिटेशन में आप समझेंगे। तो आँखें बंद कर लीजिए कृपया सभी, जो आपको रिलैक्स लगे ऐसी मुद्रा में बैठ जाएंगे आंखें बंद करके, हाँ जो भी आसान लगे। हाँ जी, हाँ लेट्स भी सकते हो, बस सोना नहीं है, इतनी ध्यान रखना कि सोना नहीं है। और अगर आपको हाँ आंखें बंद रखेंगे और जो बोला जा रहा है उसे अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कि रियल में वास्तव में ऐसा हो रहा है। हाँ लेट के कर लो, हाँ लेट जाइए। हाँ तो अब गहरे लंबे 5 सांस लीजिए और छोड़िए। ना रिलैक्स, छोड़ दीजिए। जो जो बोला जा रहा है उसे इमेजिन करिए, महसूस करें कि आप विदेश में हैं, विदेश में आप घूमने के लिए गए हुए हैं, वहाँ पर आप बहुत सारी जगहों पर घूम रहे हैं, अलग अलग टूरिस्ट स्थान हैं, अलग अलग जगह है जहाँ पर आप घूम रहे हो, जहाँ पर आप घूमने का मज़ा ले रहे हो। आप वहाँ पर एक सप्ताह के लिए घूमने गए हो, आपने बहुत भव्य इमारतें और अलग अलग सुंदर चीज़ें वहाँ पर देखी। अब आपका वो 7 दिन का पीरियड समाप्त हो रहा है और आप घर वापस आने की तैयारी कर रहे हो। अब आप अपने घर के लिए निकल पड़े हो, घर के पास आ रहे हो। अब आप घर के पास, अब आप देखते हैं कि आपका घर सामने है और आपके घर में कुछ लोग जमा हुए हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं। अब आप सोचते हो कि मैं गया था तब तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आप बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़े हैं, क्या बात हो सकती है, आप थोड़े से हैरान हैं। अब आप और नज़दीक आते हैं तो देखते हैं कि सारे लोग एक झुंड में खड़े हुए हैं। अब आप थोड़े से चिंतित होते हैं, घबराते हैं और जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप अपने घर पहुँच गए हैं और देखते हैं कि आपके रिश्तेदार, मित्र बंधु हैं वो लोग, और वो एक इंसान को घेरे हुए खड़े हैं जो आपका घर का बरामदा है, जो आपके घर में कुछ खाली स्थान है वहाँ पर किसी इंसान को लेटाया गया है, उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा कफन डाला हुआ है। अब आपको इतना पता चल गया है कि किसी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आपको अभी इतना पता नहीं है कि वो मरने वाला कौन है। आप दूसरे लोगों से पूछते हैं कि किसकी मृत्यु हुई है, ये डेड बॉडी किसकी पड़ी हुई है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सभी उस डेड बॉडी के पास जाते हैं, कपड़ा उठाते हैं और रो करके वापस आ जाते हैं। अब आप डर गए हैं कि कोई मर चुका है लेकिन पता नहीं है, तो आप धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से
डेड बॉडी की तरफ जा रहे हैं, उसके पास पहुंच चुके हैं और कफन उठाकर देखते हैं। क्या देखते हैं कि मरने वाला और कोई नहीं, आप खुद हैं। डेड बॉडी किसी और की नहीं, आपकी खुद की है। आप अपना ही मरा हुआ शरीर देख रहे हो। आप एकदम हैरान स्तंभ रह जाते हो और दूसरे लोगों को कहते हो कि मैं तो घूमने गया था, मैं तो ठीक हूँ, मैं नहीं मरा। लेकिन आपकी आवाज़, आपकी बात कोई नहीं सुन पा रहा है, बस आपके मित्र बंधु रिश्तेदार। वो चाहे उदासी है, कुछ भी लगा लो ना, तो या गुस्सा आता है, तो ये कह लो भी कोई और जिम्मेवार नहीं है, मेरी एनर्जी ही कारण है मेरे दुख का, है ना। जो मेरी पावर थी, मेरे पास मेरे अंदर शक्तियां हैं, वही मेरे दुख का कारण बन। जैसे ओशो बोल रहे थे, क्रोध एक शक्ति है ना, तो उसका सही यूज़ हम नहीं कर रहे, कुछ पॉजिटिव उसका हम नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो वो नेगेटिविटी में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वो भी एक एनर्जी है, एनर्जी है ना। तो एक तो हम सब लोग अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करना सीखें, है ना। और कोई साधना नहीं है। हम सोचें जो तपस्या तपस्या, कोई ऐसा नहीं भी धूप में खड़े होना एक टांग पे, ऐसा नहीं है। बस एक समझ कि इस एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर लें। ओशो कह रहे क्रोध होना कोई बुरी बात नहीं है, क्रोध की एनर्जी होना, क्रोध करना बुरी बात है, पर क्रोध करने के लिए जो एनर्जी है उसका होना अच्छी बात है। तो उसको हम ठीक से ट्रांसफॉर्म करके अपनी क्रिएटिविटी में लगा लें, तो वही शक्ति हमारे लिए वरदान बन जाएगी जो अभी हमारे पास उपस्थित है। जैसे फॉर एग्जांपल सोच शक्ति है, हमारे पास सोच शक्ति है, पशु पक्षियों के पास सोच शक्ति नहीं है। तो हम अपनी सोच से ही दुखी हैं ज़्यादातर, कि इसने मेरे को ऐसे कह दिया, ये हो गया, है ना, ये अच्छा नहीं हुआ, ये हो गया, कोई भी बात को लेके कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो किससे सबसे ज़्यादा दुखी हैं हम? अपने मन से, अपने विचारों से, है ना। तो अगर इसके एक अंदर सेंटर होता है, उसको हम वो कर दें, बंद कर दें, तो हमारे सारे हम फिर सोच सकते हमारी चली जाएगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारा दुख खत्म हो जाएगा, पर उस सुख का फिर मजा ले पाएंगे? जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। साथ जाएगा तो सिर्फ सुकून, शांति और आनंद। तो इस छोटे से जीवन को क्यों दुखों के अंदर धकेलना, क्यों दुखी होकर के जीवन जीना, बस जीवन जिए। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। साइको गुरु टीम का मिशन यही है कि जोत से जोत जलाए और प्रेम की गंगा बहाते चलें। सब इंसानों की जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो क्या होती है? कि उसे कोई प्रेम करे, उसके चाहने वाले हो। अब्राहम मैस्लो ने भी कहा है कि प्रेम की जो इच्छा मनुष्य के अंदर होती है, पूरी ना हो तो इंसान बीमार हो जाता है। पहले थोड़ा खोल लो हाथ। ना तो किसी मीटिंग में बैठे हो, कई बार आप इतने बिजी हैं, कोई कहे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, तब भी मेडिटेशन वो कर सकते हो आप, है ना। तो वो है अपने सांसों पे ध्यान देना, ठीक है। तो प्राणायाम तो हम करते करते हैं, सांसों पे ध्यान, विपस्सना, इसको हम विपस्सना बोलते हैं, है ना। विपस्सना होता है किस चीज़ को देखना। बुद्ध ने ये टेक्निक दी थी, बुद्ध का जो मेन एनलाइटनमेंट का बेस था वो विपस्सना, आती जाती सांस को देखना, है ना। तो ये क्या है कि जैसे मेरे को जाना पड़ता था, मान लो किसी की कोई वो उसमें शोक सभा में जाते हैं हम, कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, तो घंटा डेढ़ घंटा वहाँ लग ही जाता है, है ना। अब अपना डेढ़ घंटा बैठना तो पड़ेगा, चाहे उसको वेस्ट कर लो, चाहे मेडिटेशन कर लो,
तो वहाँ मेडिटेशन करो, मेडिटेशन वहाँ ये तो नहीं कर सकते तो तो बैठ के आप आंखें खुली रखो चाहे बंद रखो, खुली भी रख लो, तो ध्यान आपका सांस पे रहे, भी सांस अंदर गई सांस बाहर गई, तो डेढ़ घंटा आप मेडिटेशन कर सकते हो ना। तो ऐसे कहीं भी जाएं, पांच लोग बैठे हैं है ना, तो आपको भी बैठना पड़ रहा है, लेकिन आपका मन नहीं है ज़्यादा बीच में, तो चार लोग बातें कर रहे हैं आप बीच बीच में बात कर लो, बाकी टाइम अपनी मेडिटेशन करो बैठ कर सांस में। हाँ आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, अब दिल्ली से आते हो चार पाँच घंटे लगते हैं है ना, पाँच घंटे मेडिटेशन मान लो एक घंटा अगर रोज़ करते हैं, एक हफ्ते का काम आपका एक दिन में हो जाएगा। तो वहाँ बैठो तो अपने सांस पे ध्यान दो है ना, कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो, किसी के ग्रुप में बैठे हो, मीटिंग में बैठे हो, किसी पे ऐसी जगह हम जाते हैं जहाँ हम कोई काम नहीं करना होता, बस बैठना पड़ता है, एज अटेंडेंट कई बार पेशेंट के पास बैठना पड़ता है, तो कितना बोर होते हैं हम, तो बेस्ट टाइम है, उससे पेशेंट को भी फ़ायदा होएगा, आप मेडिटेशन करोगे ना उस टाइम उसकी वाइब्रेशन उसको भी जाएगी। तो अगर आप पेशेंट के पास बैठ के कुछ नेगेटिव सोचते हो तो पेशेंट का नुकसान हो रहा है, तो आप अटेंडेंट बन के उसको बीमार कर रहे हो। ये बातें तो मैं सारी अच्छी कहता हूँ, तो आप हर बात के लिए कह देते हो ये बात आपने बहुत अच्छी की, तो पहले क्या सारी माड़ी की थी। अच्छा आप बताओ क्या कह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, ना एक ही चलती है एट ए टाइम, हाँ जी एक ही चलती है, चंद्रमा लेफ्ट, एक मिनट, लेफ्ट चंद्रमा राइट सूर्य, लेफ्ट चंद्रमा राइट सूर्य नाड़ी, ये शीतलता प्रदान करते, ज़्यादा इसमें से चलनी चाहिए, जब भी अगर आपको गुस्सा आए उस टाइम देखना सूर्य नाड़ी चल रही होगी, तो अगर आप प्राणायाम से उसको शिफ्ट कर लो लेफ्ट पे तो आपका गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा, अगर चंद्र नाड़ी चल रही है तो गुस्सा आ नहीं सकता, इसी को प्रैक्टिस कर लो। क्या आपके कह रहे थे, मैं कहता हूं जो श्वास पे ध्यान देना होता है हाँ, वो किस तरीके से देना होता है, मतलब जब हमारी नाक से सांस अंदर जा रही है और नाक से छूट रही है या पेट फूल रहा है और पेट में चक रहा है, वो पूरा फील कर लो, पूरा नाक से जा रही है, ट्रैक करें हम, फॉलो कर रहे हैं किस चीज़ को, ऐसे जो पीछे पीछे जा रहे हैं तो नाक से ही फॉलो करो, मैं तो नाक से ही करता हूँ, भी ऐसे नाक से गई ये जहाँ से जाके नाभि तक ले गए है ना, फिर यू टर्न, वहाँ से यू टर्न लिया फिर बाहर आ गए, तो बस ये माला बन जाए हमारी ऐसी माला गुरु, हाँ जी सांसों की माला, पे सिमरू मैं तेरा नाम भजन है ना, तो एक माला बन जाए, यहाँ से गए जैसे शुरू की माला नीचे गई फिर यू टर्न लेके ऊपर आ गए, एक साइकिल पूरा हो गया फिर दूसरा साइकिल है ना, एक एक अंतर जो है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन से एक साइकिल पूरा हो गया, भीतर लेके गए फिर बाहर लेके, एक 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 मन का पूरा हो गया, माला के एक मन का पूरा हो गया इसमें, तो 108 बार करें, 108 मन के होते हैं इसमें माला में, मुद्रा बनी रहे, बयान मुद्रा।